ला प्यारी बहन है उसका बर्थडे था, उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को ऐसा सा पेंटिंग मांगता है उसको सब बात। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है नए ब्लॉग में। और पिछले ब्लॉग में देखा कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पेंटिंग था उसके बारे में हमने जिक्र किया। और अभी यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं ये इसको भी, इस तस्वीर को भी सचिन भाई ने ही बनाया। और इसको कितना दिन में आपने बनाया था? इसको भी 15 दिन लगा। 15 दिन में इन्होंने बनाया। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं अलग अलग, तो ये एक, जितने आप पिक्चर देख रहे हैं सबका अलग अलग स्टोरी है, सबका अलग अलग कहानी है। और ये कहानी एक तरह से हमें प्रेरित करता है, प्रेरित अलग अलग कहानियां हैं। तो जैसे कि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ छुपा हुआ रहता है अंदर में, कुछ न कुछ एक अलग आर्टिस्ट का, कलाकार या फिर जो बोलते हैं साइंटिस्ट वगैरह, हर चीज़ में छुपा हुआ रहता है। लेकिन उनका स्थिति अच्छा नहीं रहता है, कहीं ना कहीं अलग अलग ट्रेजेडी में या परेशानी में लोग झेल रहे होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, जैसे आप हम बोल सकते हैं कि अब्दुल कलाम है, उनको भी बहुत सारा परेशानी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कोई कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आता है कि उनका जो जो क्या बोलते हैं नॉलेज होता है या जो भी ज्ञान होता है वो किसी न किसी तरीके से बाहर आता है। तो ये जो करेक्टर है इसके बारे में हम जानेंगे आज सचिन भाई से, क्योंकि इन्होंने बनाया और बहुत सारा कहानियाँ हैं। तो बिना देर के हुए इस अलग अलग जो करेक्टर है, जो कहानी है जिसको इन्होंने मतलब दर्शाया है, तो शुरू करते हैं। तो सचिन भाई, बात फिर से आपको नए ब्लॉग में स्वागत है। और प्लीज़ आप इस अलग अलग जो पैक है उसके बारे में पहले के एनिमेशन जो रहता है अपना कार्टून, उनको एक लिमिटेशन रहती है। मतलब आप जो नॉर्मल चित्रपट देखते, व्यू देखते उसको लिमिटेशन रहते हैं, अगर एनिमेशन दिखाते हैं ना वो उसको लिमिटेशन नहीं है। कुछ भी दिखाते हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, आसमान नीचे आए हैं, ऐसा लिमिटेशन नहीं रहता। तो इसका देखने का मजा वही है, उसको लिमिटेशन नहीं रहे और कुछ भी भाव मान सकते हैं अपना दुख या आनंद। अभी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है मगर वो हंसते हुए दिखाएगा, उसको फटका मारा अभी वो हंस रहा है, पड़ रहा है, ये इससे लिमिटेशन नहीं रहती। इससे कार्टून देखने के अलग मजा रहता है। मगर इसमें जो ये जो कैरेक्टर निकाले सब वुमन्स लोग हैं, वो सब आइडल है कार्टून की दुनिया की। मतलब इधर जो सिंड्रेला दिख रही है, ये बहुत जो पुराना कार्टून है जो सिंड्रेला नाम का आता था, इसका गरीब लड़की रहती है, फिर उसको कैसा चाचा चाची उनका उसका छल करती है और उसको कैसा बड़ा बनने के बनने नहीं देती और उसको कैसे दुनिया से छुपा के रखती है, वो काम घर का काम करो नौकरानी की जैसा ही सब कर रखती है, मगर उसमें भी खूबी रहती है उसको बड़ा बनने का। तभी एक फिर उसकी मदद को एक रानी परी आती है, उसके जो दोस्त दिखाए गए उसको कार्टून में, वो चूहा दिखाया है, कबूतर दिखाया, चिड़िया दिखाया, उसको मदद करती है कि कैसे बनेगी। फिर वो सच के रानी बन के एक महल में जाती है, राजा के जो कार्यक्रम रहता है उसमें जाती है और राजा को मिलती है। फिर वो राजा उसको देखते पागल हो जाता है, पसंद करता है। फिर उसको एक परी ने टाइम दिया रहता है कि 12 के पहले आना खाने का घर पे, नहीं तो वो सब उसका कपड़ा जो पहना हुआ रहता है रानी का जो पूरा सजा हुआ रहता है वो गायब हो जाएगा। तो दौड़ते दौड़ते निकल जाते हैं, मगर इसका जूता उधर रह जाता है और वो जूता वो राजा को मिलता है और वो राजा पूरा वो जूता देख देख के पूरे गांव में ढूंढता है इसको, एक किधर कौन सी लड़की, कौन सी लड़की, सब लड़की को जूता पहना के देखता है मगर एक ही लड़की को होता नहीं। और वो चाचा इसके घर पे भी आता है मगर इसकी घर की जो चाची है तो उसको छुपा के रखती है क्योंकि ये नौकरा नहीं है, इसको कुछ भाव नहीं देती, इसमें कुछ कीमत इसका क्या होएगा, तो उसको छुपा के रखते होते और उसको दो लड़के रहते हैं, वही दिखाते हैं उसको। तो उसके बाद वो राजा उधर से भी लेके जाता है तो निराश होता है। फिर वही वो उसको मार्केट में मिलती है ऐसे फटे हुए कपड़े में, वो नौकरानी के कपड़े में मिलती है और वो देखता है कि अरे इसको एक बार जूता पहना के देखते और वो जूता उसको होता है। फिर वो देखता है कि यही मेरी आती ऐसा। और आगे एक पोर्सन है, उसको भी घर में बहुत टॉर्चर किया, जैसे बच्चे लोग रहते हैं अपने गरीब बस्ती में, उसको क्रिकेटर बनना होगा, कुछ बनना होगा, तो अपन उसको वो बनने नहीं देते, बोलते पढ़ाई कर ये करे अगर वो जॉब में अपना क्वालिटी मत ये करने पीछे नहीं लगना होता। वैसे इसको रहता है फोर्जन को भी अंदर एक क्वालिटी रहती है जादू, समाज के लिए काम करना करती हो तो लोग इसको भी अपने उसके घर वाले जो है उसको बोलते मत कर वो मत कर, वो उनकी एक बात नहीं सुनती और घर छोड़ के भागती है और एक समाज के लिए वो एक उदाहरण बनती है, एक बड़ा काम करती है, ऐसा फोर्जन है। ये तो अलादीन की पत्नी दिखाई जासमी ने, इसका बड़ा काम है तो अपने लाइफ पार्टनर को कैसा साथ देना मांगता है वो उसने दिखाया जासमीन ने।
और ये जो गुलाब लेके है ब्यूटी एंड बर्ड्स अपना जो है मूवी, उसमें एक राजा दिखाया होता है, उसको शाप लगता है, शाप देते हैं, तो वो पूरा राक्षस जैसा दिखता है और उसको ये लड़की से प्यार होता है और ये लड़की को वो घर से उठा के लाता है, ये मेरे लड़की से शादी करना है, मगर वो लड़की देखती है उसका एक तो राक्षस है पूरा, मगर प्यार किस चीज से करना बनता है। तो आज अभी जमाने में क्या देखते हैं, उसका बाहर रंग देखते हैं, सुंदर है, सुंदर कपड़े पहने, वो सुंदर दिखता है, उसको सुंदर बाल है, ये देख के प्यार करते हैं अभी, प्यार की जो कंसेप्ट है। मगर उसमें जो दिखाया गया है कि प्यार मन से होना होता है, अंदर से होना, अंदर जो आदमी है उससे होना है, उससे प्यार करना बनता है, और वो लड़की उसे जब भी एक्सेप्ट करती है कि उसको उतना पूरा राक्षस रहता है, उसको रहता है, फिर उसको जो एक्सेप्ट करती है ये मेरा राजा है और ये मेरा साथीदार है, तभी उसका रूप जो है असली रूप में आता है, वो पूरा सुंदर दिखता है, ऐसा है वो कंसेप्ट दिखाया कि तुम किससे प्यार करते हो, ऐसा सुंदर सुंदर का कंसेप्ट उधर बदलती है, ऐसा है। तो ये निकालने का हेतु है कि हमारे जो मेरी बहन है, प्यारी बहन है, उसका बर्थडे रहा, उसने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को ऐसा सा पेंटिंग मांगता है, उसको सब बारबी डॉल, उसको बारबी की कंसेप्ट है, उसको मांगता था कि पेंटिंग निकाल के दो, तो मैंने उसको लिए एक पेपर में सीमित नहीं रखते, डायरेक्ट दीवार पे निकाल दिया कि बड़ा अच्छा, अच्छा। तो कागज पे निकाल के नहीं दे दिया, तो डायरेक्ट दीवार पे निकाल दिया, क्योंकि जो भी हमारे घर में आए, वुमन निकालने का हेतु है कि अभी बस्ती में लड़की लोग को ज़्यादा पढ़ाई नहीं दिया जाता, लड़की लोग को शिक्षण बंद किया जाता है जल्दी, और ज़्यादा जल्दी से शादी किया जाता है, तो ये देख के किमान वो सुधर जाएंगे कि लड़की लोग को भी उतना सम्मान देना होता है, उनको शिक्षा देना होता है और वो आगे बढ़ सकती है लड़की जैसे, इसलिए सब वुमन निकाला है। और मेरे बहन को ये बर्थडे गिफ्ट दिया है और वो उसको 3D पेंटिंग दिए थे, ये थोड़ा लंबे से देखेंगे कि इतना, ये अपना जगह है, ये जो दीवार है ये अपना जगह है, अपना दुनिया है, और इसके अंदर जो टूटा फूटा है वो इनकी दुनिया, अलग दुनिया है, इनके अलग दुनिया है, वही दुनिया दुनिया में जाने का कोशिश कर रहे हैं और अच्छा बनना होता है, ये कंसेप्ट है पूरा दिखाई, और ये पूरा पेंटिंग को ये सब कैरेक्टर जल्दी हो गए निकाल के, मगर पोर्जन का जो कैरेक्टर निकालने में थोड़ा तकलीफ हो गया, किसका जो ड्रेस है तो वो बर्फ का है, तो ये बॉक्स अलग अलग टोन में रंगा कलर करने में ज़्यादा समय गया, और ये जो डॉट डॉट है पूरा इसको ज़्यादा समय गया मेरे को, और इसमें 15 दिन लगे, ऐसा है। और ये जो दो तीन अपने ये जो ये समुद्र में रहने वाली लड़की रहती है, उसको भी समुद्र के उधर जाना, जो अभी अपन कभी समुद्र में समुद्र किनारे में खड़े रहते और बोलते और उसके आगे क्या है ऐसे सोचते, तो कभी जाने को नहीं मिलता, अभी अपन समुद्र में ज़्यादा इतना घुट के तक ही जाते पानी के इतना, और वो लड़की को क्वेश्चन गिरता कि उसके आगे क्या है, अच्छा, और उसके माता पिताजी जाने नहीं देते, तो ये उनको नहीं बताते, अपने नाव निकालती है और निकल पड़ती है अपनी, जैसा आप साइकिल लेकर निकले कि इंडिया में क्या क्या है, ऐसा वो अपना बोट लेके निकल क्या समुद्र के आगे क्या है देखने के, ऐसे उसकी स्टोरी ऐसा है। और एक जो है रानी, ये भी यही कंसेप्ट है कि गरीब रहती है, फिर उसको राजा के तरफ गरीब प्यारा होता है, फिर उसको रानी बना देते हैं, थोड़ा कार्टून थोड़ा दुर्लभ इतना फेमस नहीं ज़्यादा बड़ा, ये भी वैसा ही है, ये हर एक जो लड़की दिखाई हर गरीब को मदद करती है, अभी निकालती है मार्केट में, एक नौकरा नहीं दिखाई घर में काम कर, और जब भी वो निकलती है किस किस को मदद करती है, इसको मदद करो उसको मदद करो, मदद करने वाली लड़की दिखाई पूरे कार्टून में, सबको मदद करती निकलती, और उसके साथ अच्छे होते हैं, अच्छा ही बांटो अच्छा ऐसा पूरा कार्टून सब कैरेक्टर निकाले। तो दोस्तों इससे हमें बहुत कुछ सीख मिला, क्योंकि हम जैसे एक पन्ना है, एक तरह से बोल सकते हैं ये एक पेज हो गया, और एक पेज में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ही कहानी है, लेकिन ये पेज एक तरह से पूरा हिस्ट्री को बयां करता है, बहुत सारा स्टोरी इसको मतलब बोल रहा है, कहानी अभी बोल रहा है। और मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ और मुंबई के पास में हूँ भाटपाड़ा में, और यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ तो बहुत सारे मुझे खास करके मतलब कलाकार बहुत सारे दिख रहे हैं, और एक तरह से मुंबई है तो मुंबई एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरा देश का जो आर्टिस्ट है सब तो यहीं पे हैं, तो वो चीज़ें हम कहीं पे भी जा रहे हैं, मैं मुंबई में अलग अलग जो पट्टी में भी गया वहाँ पे भी कलाकार भरे पड़े हैं, तो हर जगह मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये अलग अलग आर्टिस्ट का ही मतलब ही होता है कि मतलब जो चीज़ें छुपा हुआ है उसको पिक्चर के माध्यम से उसको लाना दिखाना, तो ये चीज़ यहाँ पे
सचिन भाई ने भी दिखाया तो काफ़ी अच्छा लगा, और इसी तरह से ये आगे काम करते रहें। और मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये बहुत बड़ा एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे छात्र शक्ति को लेकर ये काम कर रहे हैं, मतलब जो शिक्षा है शिक्षा पे ये काम कर रहे हैं। पिछले 10-11 साल से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, और इनके जो स्टूडेंट हैं इनका सिर्फ इंडिया में ही नाम नहीं, मतलब वर्ल्ड में बहुत जगह नाम जा चुका है, और पुरस्कार भी मिला है, और आगे बड़ा बड़ा जो पुरस्कार है वो मिलने वाला भी है। तो फिर हम अगले वीडियो में जो छात्र शक्ति है क्या है, कैसे काम करता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम जो छात्र शक्ति क्या है, इनका काम कैसा है, कितने समय से काम किया, क्या क्या स्ट्रगल हुआ, क्या क्या परेशानियाँ आई, वो तमाम चीज़ों के बारे में हम उस पर दिखाएँगे बताएँगे। तो तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका भी तरह से।